जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी वर्ष 2023 में व्रत को कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा और किस चीज से किया जाएगा, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे भीमशैनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत अन्य सभी एकादशियों व्रत से कई गुना पुण्यफलदायी माना गया है। निर्जला यानी कि इस व्रत में जल का भी त्याग करना पड़ता है। इस व्रत को निर्जला ही रखा जाता है। अन्न और जल दोनों का त्याग करके पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो भी इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें सभी 25 एकादशियों व्रत का फल प्राप्त होता है। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ करके रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और जो भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाएं। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और कहें कि हे प्रभु, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें और इस दिन एकादशी तिथि के दिन जो कि निर्जला एकादशी का व्रत है तो अन्न और जल दोनों का ही इस व्रत में त्याग करना पड़ता है। इसमें आप जल जो कि केवल पूजन के वक्त आचमन करते हैं उसी समय ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं आचमन के रूप में। वो भी ज्यादा मात्रा में नहीं, जितना हथेली में रख करके आचमन किया जाता है उतना ही जल लेकर के केवल 3 बार आचमन कर सकते हैं। उसके बाद फिर जल ग्रहण नहीं किया जाता है और ना ही अन्न ग्रहण किया जाता है। हाँ, जो भी भक्त सक्षम ना हो पाए निर्जला रहने में तो आप फलाहार ग्रहण करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं। गाय के दूध का सेवन कर सकते हैं, फलों का सेवन कर सकते हैं। जो निर्जला नहीं रह पाते हैं वो फलाहार करके भी व्रत को धारण करें, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि निर्जला रहना सभी से संभव नहीं हो पाता है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत को धारण करें। अगर हो पाए तो निर्जला व्रत को धारण करना चाहिए। अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना चाहिए। एकादशी सूर्योदय से लेकर के द्वादशी सूर्योदय तक जो कि अन्न और जल दोनों का त्याग करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत में जागरण करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है तो जहाँ तक हो सके एकादशी व्रत में जागरण करनी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन विशेष प्रकार से जहाँ तक बन सके इस दिन दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में जो कि जल से भरा हुआ घड़ा दान करने का विशेष महत्व माना गया है, मीठे शरबत बना करके उसका दान करना चाहिए। जो भी आपसे जहाँ तक बन सके अन्न वस्त्र गौ स्वर्ण आदि जो भी बन सके अवश्य ही दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु को जो कि विशेष करके ककड़ी का भोग लगाना चाहिए, आम का भोग भगवान को लगाना चाहिए, दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाना चाहिए और जब भी भोग लगाते हैं तो भगवान को तुलसी दल अर्पित करके ही तभी जाकर के भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान उस पूजन को
और नैवेद्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तो जब भी आप भगवान को भोग लगाए तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें, रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय होने के बाद पारण समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो पारणा किया जाता है वह हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय जो होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है, तो हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नशा आदि का प्रयोग करते हैं, तंबाकू आदि खाते हैं, तो इसका भी प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। दुष्ट पाखंडी चोर आदि व्यक्ति से दूरी बना करके ही रखनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम जप करते हुए समय को जहाँ तक हो सके व्यतीत करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 30 मई 2023 दिन मंगलवार दोपहर 1:09 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 31 मई 2023 दिन बुधवार दोपहर 1:47 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 31 मई 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है, तो इस दिन सभी व्रत को धारण करेंगे और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के 1 जून 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय 1 जून को जो कि सुबह 5:50 से सुबह 7:50 तक व्रत का पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारणम यानी कि तिल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 1 जून को दोपहर 1:40 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:08 और सूर्यास्त शाम 6:43। नक्षत्र इस दिन जो कि हस्त नक्षत्र होगा सुबह 6 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र, योग जो कि व्यतिपात योग रात्रि 8:14 तक, उसके बाद वरियान योग। एकादशी तिथि के दिन 31 मई को जो कि राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 11:55 से दोपहर 1:38 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। और 1 जून को जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 1:38 से दोपहर 3:20 तक राहु काल का समय होगा। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब आप व्रत में नियमों का पालन करते हैं, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करते हैं। बिना श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अगर किसी भी कार्य को किया जाए
व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो तो वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ और विश्वास के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए और अपना भगवत चरण में मन लगाना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में फिर मोक्ष को प्रदान करते हैं। हम अगले वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत के संपूर्ण पूजन विधि के बारे में। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।